मिचिगन से गुणा। पहले दो दो अंक, दो दो संख्या जब कितनी है, तीन तीन संख्या है। इसमें भी अगर जैसे मिचिगन का नाम आ जाए, सबसे पहले लेंगे हम आधार, फिर लेंगे, फिर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ आधार कितना आएगा, दस। तीनों किसके पास में, सबसे पहले आएगा आधार कितना, आधार आएगा आपके पास, जैसे आधार लिया क्या याद करना है, बताओ विचलन का सूत्र क्या होता है, संख्या माइनस विचलन। अब ध्यान दो, यहाँ पे आपको ध्यान करने की जरूरत नहीं है, संख्या कितनी, 11 में से 10 घटाओगे तो 11 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 12 में से 10 घटाओगे तो 12 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, 13 में से 3 घटा 10 घटाओगे तो 3 आगे। संख्या विचलन, संख्या विचलन, संख्या उसमें हमने 2 बार किए थे, इसमें करने में कितने बार, 3। देखो इसमें क्या लेंगे, 1 को लेंगे संख्या और बाकी दोनों संख्याओं का विचलन। जैसे मान लो 11 लेनी है संख्या, तो ये दोनों विचलन लेने, अगर लोगे 12 तो ये और ये विचलन, अगर लेना है 13 तो ये दोनों, मतलब एक लो संख्या और दूसरी संख्या के विचलन। तो यहाँ पहले 11 लेंगे, 11 प्लस अब कितना, 2 प्लस 3, एक बार तो ये हो गया कंप्लीट। अब दूसरे भाग में क्या करना है, पहला विचलन इंटू दूसरा विचलन, दूसरा विचलन इंटू तीसरा विचलन, पहला विचलन इंटू तीसरा विचलन। पहले करेंगे इन दोनों को गुणा, फिर करेंगे इन दोनों को गुणा, और फिर करेंगे इन दोनों को गुणा। पहले क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 प्लस, अब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3, अब यहाँ 1 इंटू 1 इंटू 3, एक खाना दो खाना एक खाना और बचा, लास्ट वाले खाने में तीनों को गुणा, 1 इंटू 2 इंटू 3। आपको सूत्र लिखने की जरूरत ही नहीं है, विदाउट सूत्र करो पहले से, 11 और 2 13, 13 और 3 16, ओब्लिक देखो, दो एक सिंगुली, तीन एक दो एक दो दिया, अब यहाँ देखो 16 का तो 16, 6 और 2 8 और 3 ओब्लिक, आधार में कितनी जीरो, पहले खाने को छोड़कर बाकी सभी खानों में एक एक क्योंकि आधार में कितनी जीरो है, यहाँ तो एक ही है, 6 का तो 6, यहाँ से भी केवल एक लेना है, कितना, एक को छोड़ देंगे आगे 16 और 1 कितना हो गए, उत्तर आएगा 1716 आगे ना। देखो आधार में एक जीरो थी, इसलिए पहले खाने को छोड़कर बाकी खानों में कितना कितना अंक रहना चाहिए, एक आ गया। अब ये वाला, यहाँ भी कितनी संख्याएं हैं, 3, यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, सबसे पहले मानेंगे आधार, किसके पास आ रहा है, आधार कितना आ जाएगा, आधार आ जाएगा आपके पास 100। बताओ क्या याद करेंगे, सूत्र क्या होता है, संख्या माइनस 97 से 100 घटाओगे तो माइनस का 3, 98 से 100 घटाओगे तो माइनस का 2, 99 से 2 घटाओगे तो माइनस का 1। आपको इधर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखो, पहले लिखोगे 97 और इसका विचलन कितना आएगा, माइनस का 3, क्योंकि इसको 100 में से घटाओगे तो माइनस का 3, फिर लिखोगे 98 और इसका विचलन आएगा माइनस का 2, क्योंकि 98 को 100 में से घटाओगे तो माइनस का 2, यहाँ आएगा 99 माइनस का 1 आ गया। अब जैसा काम इधर किया था वैसा ही काम इधर करेंगे, एक तो आएगी संख्या और बाकी दो संख्याओं का विचलन, जैसे ये लेते हो तो ये दोनों विचलन आएंगे, अगर ये लेते हैं तो ये दोनों विचलन, मतलब एक संख्या लो और बाकी संख्याओं का, अगर विचलन प्लस में तो प्लस में, विचलन माइनस में तो माइनस में। पहले लेंगे हम संख्याओं, लेंगे माइनस का 2 माइनस का 1, अगर ये दोनों प्लस में तो प्लस का आता है, माइनस है तो माइनस में, कितने पार्ट होंगे, 3। अब देखो दूसरे पार्ट में, पहले इसको इससे गुणा, फिर इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, पहले क्या करेंगे, माइनस
आप क्या करेंगे, माइनस दो इंटू माइनस का एक, ये चिन्ह माइनस में इसलिए पोस्टर में कर लो, प्लस अब यहाँ भी क्या होगा, माइनस का तीन इंटू माइनस का एक, ऑब्लिक लास्ट में आएगा विचलनों का, तीनों को गुणा कर दो, नाम क्या है, माइनस का तीन इंटू माइनस का दो, माइनस का तीन इंटू माइनस का दो इंटू माइनस का एक, अमल करेंगे, देखो ये दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे, बताओ 97 का तो 97 और 100 कितना हो गया, माइनस का एक, अब यहाँ देखो ऑब्लिक तीन दुनी छह, माइनस माइनस दस, दो एकम दो, माइनस माइनस दस, तीन एकम एक, माइनस माइनस दस, तीन दुनी छह, माइनस माइनस दस, छह एकम छह, प्लस माइनस माइनस, तो किसका आएगा छह, माइनस का, आगे बात समझ में, अब ये देखो यहाँ घटाओ कितना बचा, यहाँ 94 बच गया, यहाँ देखो 6 और 2 आठ और तीन ग्यारह माइनस का छह, अब देखो ध्यान दो यहाँ किसका आ गया, पहले इसको किसमें बदलो, इधर से उधार लेंगे, अगर हम एक उधार लेंगे सो जाएगा, कितना जाएगा, आधार में जितनी जीरो उतना ही जाता है, अगर हम एक उधार लेंगे तो 100 जाएगा, अगर दो उधार लेंगे तो 200 जाएगा, तीन उधार लेंगे तो, अगर वहाँ आधार 10 ही होता एक उधार लेते कितना जाता, अब देखो यहाँ 94, अब एक इधर से उधार लिया तो यहाँ कितना रह गया, एक उधार लेंगे 10 ही रहेगा और कितना जाएगा, 2 माइनस 6 94 10 और यहाँ भी कितना गया 94, अब देखो ध्यान दो आधार में कितने जीरो है, पहले खाने को छोड़ कितने बैंक होने चाहिए, मिला के लिखते दो दो ही 94 10 94, अबे देखो 15 और 16 क्वेश्चन, यहाँ भी कितनी कितनी संख्या है, सबसे पहले आधार लेते, बताओ आधार कितना आएगा, सब 100 के पास में 100 आ जाएगा, फिर क्या ज्ञात करेंगे, 100 में से 102 घटाओगे तो 2, 103 घटाओगे तो 3, 104 घटाओगे तो, आपको लिखने की जरूरत नहीं, अब सीख गए हो तो, पहले लिखो 102, इसके सामने इसका विचलन, फिर लिखो 103, इसके सामने इसका विचलन, फिर लिखो 104, इसके सामने इसका विचलन, 3 है संख्या, कितने पार्ट होंगे, 3, पहले तो एक संख्या लिखो और दूसरी संख्या का विचलन, पहले लिखा 102 प्लस 3 प्लस 4, आ गया, अब ऐसे चिन्ह लगाएंगे ऑब्लिक का, देखो पहले इसको इससे गुणा, फिर इसको इससे गुणा, और फिर इसको इससे, पहले क्या 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 2 × 4, अब तीनों को गुणा, 2 × 3 × 4 2 × 3 × 4, अब ध्यान दो बेटा, ये 102 3 105 100 कितना हो गया, 100 ये तो गया 109 ओब्लिक 3 × 2 6 प्लस 4 × 3 12 4 × 2 8 और 3 × 2 6 6 × 4 24 24 109 का तो ओब्लिक ये कितना हो गया 26 ये हो गया 26 पीछे कितना आधार में कितने जीरो आधार 100 लिया था ना पहले खाने को छोड़ के कितने कितने को ने चाहिए दो दो ये तीनों को चिपका दो क्या आएगा 109 26 और आ गया अब ये वाला देखो ये भी तीनों किसके पास है आधार कितना लेना पड़ेगा यहाँ से हम आधार लेंगे कितना आधार आएगा हमारा 100 अब ध्यान दो आधार 100 आया तो क्या ज्ञात करना है विचलन विचलन ज्ञात आसानी से कर सकते हैं देखो 99 से 100 घटाओगे कितना बचेगा माइनस का है 101 में से 100 घटाओगे प्लस का है 103 में से 100 घटाओगे तो आपको विचलन ज्ञात करने की जरूरत है पहले लिखो 99 इसके सामने इसका विचलन कितना माइनस का है फिर लिखो 101 इसके सामने इसका विचलन फिर लिखो 103 इसके सामने इसका विचलन अब ध्यान दो
बताओ कितने भाग होंगे? तीन। पहले लिखो संख्या और बाकी संख्या का संख्या ये ले लो तो विचरण आ जाएंगे दोनों। क्या लिखेंगे? 99+1+3 तीन भाग होंगे। पहले इसको इससे गुणा, फिर इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा। पहले क्या लिखोगे? -1 × 1 ध्यान दो आ गया 1 × 1। अब ध्यान दो यहाँ पे फिर क्या आएगा? 1 × 3 प्लस फिर क्या आएगा? -1 × 3। अब आएगा विचलनों का गुणा, तीनों को गुणा कर दो। -1 × 2 + 1 × 3 अब ध्यान दो बताओ जोड़ो कितना हो गया? 103। ये तो क्या 103 ऑब्लिक देखो 1 × 1 क्या आएगा? 1 माइनस का, माइनस का 1। 3 × 3 = 1 प्लस अब देखो 3 × 1 = -1 -3। अब देखो ऑब्लिक यहाँ भी -3। अब ध्यान दो 103 का 203। अब देखो 3 में से 3 क्या तो कितना बच गया? यहाँ कितना बचा और यहाँ कितना बचा? दोनों में माइनस के, दोनों को किस में बदलना है? प्लस में बदलना है। इधर से उधार लेना पड़ेगा, पहले इसको बदलो फिर बाद में इसको बदलना है। अब देखो आधार कितना है? 1 उधार लेंगे तो जाएगा 100। कितना जाएगा? यहाँ से 1 उधार लो कितना रह गया? 102। इधर कितना गया? 100 - 1 और उसको ऐसा कैसे लिखो? -3। अब देखो 102 का 102 99 और यहाँ माइनस का 1। इसमें से ले लो उधार, 1 लेंगे कितना जाएगा? 100 और यहाँ कितने बचाएंगे? 98 बचेंगे। 102 का तो 102 यहाँ बचे 98। 100 माइनस कितना? 102 का 102 98 और 3 को मिला के लिख दो क्योंकि आधार में कितने 0 है? यहाँ भी 2 यहाँ भी तो यहाँ आएगा 98 यहाँ आएगा 98। आगे समझ में? यस सर। उतारो।